चलो अब देखिए, हमने आपके ग्रुप पर एक नई लिंक डाली है, वहां पर उस लिंक को क्लिक कीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट उस लिंक को क्लिक करें और वापस से आइए। अब थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको इंटरनेट से, सबको दिखेगा, विजिबिलिटी आएगी और साथ में आप लोग अच्छा महसूस करेंगे। सबने लिंक ज्वाइन की है यहाँ पर, सब लोगों ने लिंक ज्वाइन की है कि नहीं बताइए। चलो कितने लोग जुड़े हैं बताइए, अब विजिबिलिटी आनी चाहिए, आवाज भी ठीक ठाक आनी चाहिए। इंटरनेट के साथ हम लोग आए हैं, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आइए यस सर कीजिए। विजिबिलिटी और आवाज़ यदि आ रहा होगा तो यस सर कीजिए, हम आपके यस सर की राह देख रहे हैं। और हमारा आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं इसी के साथ, पर लेकिन सबको विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं ये रिस्पांस हमें ज़रूर दीजिए, हम लोग रिस्पांस की राह देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब अच्छा आ रहा होगा रिस्पांस, अब बहुत क्लियर आ रहा होगा यहाँ पर, अब अच्छा आ रहा है। हेलो सर, गुड इवनिंग, अब अच्छा है पहले से सर, पहले से नहीं पूरा ही तो अच्छा है। यस सर संकेत मी, यस सर राहटे, श्रेया राहटे। ओके ओके ओके, सबको अब दिख रहा है, विजिबिलिटी पूरे अच्छे से आ रहा है, अब आवाज़ आ रही है, आवाज़ विजिबिलिटी क्लियर है सबको, फोकस वगैरह नहीं छोड़ रहा है ना। यस सर, सभी यस सर बोल रहे हैं, अच्छी बात है। वो शुरुआत में कभी कभी हो जाता है, हैंग हो जाता है कभी कभी नेट, तो अभी हमने उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया और जल्दी से हम लोग सेशन की ओर बढ़ेंगे। आई थिंक अब सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं और अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे सब लोग। अच्छा, आई थिंक आप लोग सेशन के लिए आए हैं तो सब लोगों ने मैट्रेसेस के जो भी हमने वीडियोस जारी किए थे हमारे ऐप पर, वो सभी ने देखे होंगे ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरा यूनिट हमारा मैट्रेसेस का पूरा यूनिट हमारा हो चुका है यहाँ पे। संकेत सवई हासुन रहला, कौन रहे संकेत सवई? परीक्षित तापिया, क्या लग रहे हैं सर, नजर मत लगा परीक्षित, नजर मत लगा मुझे यार। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू परीक्षित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाय सर, नुपुर बोल रहे हैं, हाय हाय नुपुर। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोगों ने, यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उन सभी ने, इन सभी ने संकेत सभी उन्होंने, सर नेट हैंग मारते का, अरे इकड़ तो सगड़ नेट हैंग मारते रे बाबू। थुबोकार यहाँ पर फिलहाल में लेटेस्ट कनेक्ट हुए हैं, हाय थुबोकार, कैसे हो, सब मजा वहाँ? वेदांत इच्छा आकांक्षा सजेस्ट केलो का आजच ड्रेस कोड, अरे आजचा ड्रेस, अरे बाप रे बाप, असं काही नाही आहे, भावना आहे या सगळ्या, या भावना आहे, इच्छा आकांक्षा नाही आहे। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से सेशन चालू करते हैं। ये सेशन 1 घंटे का होता है, उसमें भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है और 15-20 मिनट हम लोग ऐसा ही टाइम पास कर लेते हैं, पर लेकिन हम लोग इस सेशन में ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले। शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं, और पूछना भी चाहूँगा, बताना क्या चाहूँगा तो बताऊँगा बाद में, पहले पूछना चाहूँगा कितने लोगों ने वीडियो देखे हैं। मैट्रेसेस की पूरी सीरीज हमने एक जारी की है, कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं? फायदा उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने पहले से, क्योंकि मैंने जब जब बोला है कि कुछ लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, बस स्टूडेंट ने उतने ही वीडियो देखकर उसी के आंसर मुझे भेजे हैं। पहले से स्टार्ट किए हुए बच्चे बहुत कम हैं, मतलब जिन्होंने पहले से वीडियो देखा है वो बहुत कम बच्चे हैं, पर लेकिन आई थिंक यदि आप लोग इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप लोगों ने पहले से सारे वीडियो देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, बहुत लंबे समय के बाद में हम लोग एक लाइव सेशन आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है मैट्रेसेस, जो ये मैट्रेसेस के ऊपर डिपेंड है।
मैट्रेसेस के मैं वैसे दो लाइव सेशन लेने वाला हूं, अभी डिक्लेयर कर देता हूं, ये आज का एक लाइव सेशन और एक अगले हफ्ते का, अगले हफ्ते नहीं होगा, अगले हफ्ते के अगले अगले हफ्ते मतलब दो हफ्ते बाद और एक मैट्रेसेस पर मैं लाइव सेशन लूंगा। पर लेकिन देखिए, यहां पर सेशन चालू करने से पहले सबसे पहले विनती रहेगी कि फिलहाल में अब ऑफलाइन बैच कब चालू होगी इसकी राह बिल्कुल मत देखिए। यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सर, आप भी पूछते हैं कि सर आपली ऑफलाइन बैच कभी चालू होईल, तो प्रश्न आणि उत्तर हे सगळे तुमच्या जवळ आहे। मार्च महिन्यात जसं कोरोना आला होता आणि तिथून आपण अवांतर गोष्टी केलेल्या होत्या आणि आपल्या गोष्टींना, आपल्या स्टेटमेंटला या कोरोनाने पूर्णतः निस्तनाभूत केलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही कोरोना कधी संपेल, आपली ऑफलाईन बॅच कधी चालू होईल या गोष्टी आता करणार नाही। प्रत्येकाला सांगणं आहे की प्रत्येकाने या ठिकाणी अगेन कॅमेरा फोकस नाही, अरे थोडासा वो करेगा ही, वो भावनाओं में बह गया है, कॅमेरा थोडासा भावनाओं में बह गया है यश गावंडे, तो थोडासा करेगा ही। ओके, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आगे पीछे घूम रहा हूँ तो वो फोकस छोड़ रहा है, मैं एक ही जगह रहता हूँ अब। ओके, तो देखिए, जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना ख़त्म होगा और लॉकडाउन के बाद हम लोग वापस से ऑफलाइन क्लास के लिए जुड़ेंगे, तो वो लोग गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हवा में हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो सीईटी की है, आपकी प्रीवियस बैच सीईटी के एग्ज़ाम, उनकी एक्सपांड हुई है, किसी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऐसे ही आदेश आए हैं, ऐसे ही एक्चुअली गवर्नमेंट को कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो क्या करे। इसीलिए कोरोना ने सारे स्टेटमेंट जो है वो निस्तनाभूत किए हैं, उन स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में आपको पूरा ऑनलाइन सीखने को मिले, तो रुकिए मत और अपना पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। इसके बाद में हम लोग मैट्रेसेस के बाद में हमने एक नई सीरीज चालू की है, वीडियो की ऐप में डाली भी है, मैंने चालू किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कुछ लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली सर आपने हार्ड वाले प्रॉब्लम, हार्ड वाला टॉपिक, हार्ड वाला यूनिट क्यों लिया, तो सभी को मेरा कहना है हार्ड सॉफ्ट कुछ नहीं होता, वो आपकी एक मेंटेलिटी होती है। यदि आपको एक बारे में नहीं समझना चाहते हैं, एक बारे में नहीं समझ रहा है, तो दो बार तीन बार, वैसे भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप लोग कितने भी बार उसको रिपीट रिवाइंड करके देख सकते हैं। और यदि वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको और एक सुविधा है कि आप लोग गूगल मीट पर हमसे रूबरू हो सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। वैसे हम लोग जेई लाइव डेली ले रहे हैं और वो गूगल मीट पर ही हो रही है, उनका पढ़ाई चालू है। तो बाकी लोगों को भी मेरी विनती है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है और या फिर डिफ़िकल्टीज हैं, और वो वीडियो के देखने के बावजूद आपको यदि समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे कहना ये है कि आप लोग हमसे गूगल मीट थ्रू इंटररिएक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन हार मत मानिए या फिर हम सर नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये टॉपिक पूरे पार्ट टू का जड़ है, बेसिक है, पूरे पार्ट टू का बेसिक है। जैसे कि सर ने एक दो बार आपको बताया भी होगा कि लास्ट के जो प्रॉब्लम्स नहीं बोलूंगा, लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, लास्ट के जो यूनिट हैं, इस कोरोना के कारण रिडक्शन में जा सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर लास्ट वाले पार्ट टू में पहला यूनिट डिफरेंशिएशन है, वो कभी कटेगा नहीं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वो जो कि 7 मार्क के लिए आता है, और उसी के बेसिस पर उसके आगे के सारे के सारे टॉपिक उसके आगे के वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो डिफरेंशिएशन को पक्का करना आपका फर्ज बनता है। यदि अभी भी फॉर्मूले आप लोगों ने नहीं किए हैं, फिलहाल में टाइम है, ठीक है। इसके बाद में हमारा पेपर पैटर्न किस प्रकार से होगा, हम लोग फिलहाल में भांडेसर एकेडमी पेपर कब लेने वाली है, लाइव सेशन कब लेने वाले हैं, सब तारीख वगैरह तय करके आपको टाइम टेबल बना के देंगे, और उसके हिसाब से देखिए, जैसे ही हमारा ऐप में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का एक यूनिट ख़त्म होता है, तो उसके बाद में उसका लाइव रहेगा,
और लायु के बाद में अगले हफ्ते उसकी टेस्ट रहेगी। मतलब मान के चलो अब मेरा मैट्रेसिस है, मेरा मैट्रेसिस ऐप में डालकर वो वीडियो बनाकर हो चुका है, मैट्रेसिस मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं अगले वीक में आपको टेस्ट देने वाला हूँ और आपकी टेस्ट अगले वीक में जो रहेगी वो सैटरडे को रहने वाली है। सैटरडे को 11 बजे, रिपीट बोल देता हूँ मैं, सैटरडे को 11 बजे, 11 AM सैटरडे को, अगले सैटरडे मतलब आने वाला सैटरडे, आज का संडे है, आपको 6 दिन पूरे हैं, सैटरडे को 6 या 5 दिन आपको पूरे हैं, आपको सैटरडे को 11 बजे आपकी मैट्रेसेस के ऊपर टेस्ट रहेगी। सर इतनी गैप क्यों दी आपने? क्योंकि जिन लोगों ने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं की होगी या फिर कुछ वीडियो उनके रह गए होंगे तो वो देखिए, यदि कुछ पूछना चाहते हैं, डिफिकल्टीज हैं तो वो पूछिए। इस महीने से थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। स्ट्रिक्ट मीन्स यदि जो बच्चा, जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, सीधा उसके घर में फिलहाल में फोन जाने वाला है, ठीक है। रफली इंस्ट्रक्शन है सबको, रफली इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टली नहीं रफली है, ठीक है। अब आएगा मजा, टेस्ट चाहिए था कैमरा मुड़े भावानु काय नहीं दिखता है, कैमरा फोकस नहीं करता है सर, कैमरा फोकस होत नहीं है, एक जगह पर रहने से कैमरा फोकस नहीं हो रहा क्या? थोड़ा सा तकलीफ वो दे रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, पर लेकिन दिख तो रहा है सबको, क्योंकि वो फोकस थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट आ गया, मोबाइल में ज़्यादा लोड आ रहा है उसमें, तो थोड़ा सा वो फोकस छोड़ रहा है, वो भी हम लोग अगले सेशन से पहले, अगले लाइव से पहले ठीक करवा लेंगे। पर लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ा सा फोकस छोड़ रहा है मालूम है मुझे। ओ चलने दो सर आराम से, वेदांत केकड़े चलने दो बाबू, चलने दो, मैं आराम से ही हूँ। पर लेकिन अब आप अगले वीक से आपका आराम हराम है, ठीक है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई फिलहाल में नहीं कर रहा है उन पर हमारा वॉच है, ऐसा ना समझे कि हम लोग यहाँ पर आपको नहीं समझ रहे या फिर नहीं देख रहे हैं। सर मैग्नीफाइंग ग्लास लावला का, यस रमेश थुबुकार चमन्ना, यस थुबुकार है बहुत एक तो। चले चलो ओके लेट स्टार्ट सर, ओके यहाँ पर यस उपकरण ने अच्छी बात बोली, लेट स्टार्ट, अच्छा चालू करेंगे हम लोग। तो फिलहाल में हम लोग मैट्रेसेस के पहले पड़ाव पर है बच्चों, मैट्रेसेस में हम लोगों ने पहले पड़ाव देखिए, ये क्विक रिवीजन भी रहेगी और साथ में डिफिकल्टी भी रहेगी। आई थिंक जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं वो लोग शायद डिफिकल्टी उनकी लेके आए हुए हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उन लोगों ने खुद की डिफ़िकल्टी लाई होगी ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन भी देखेंगे और साथ में डिफ़िकल्टी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको अभी पूरा क्वेश्चन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज में पूरा क्वेश्चन आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 1 में का कितना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में का कौन सा है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग डायरेक्टली बताओ। मेरे पास यहाँ पर PDF मौजूद है, मेरे पास बुक है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से वो क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, ठीक है। शुरुआती दौर में मैट्रेसेस में हमने क्या पढ़ा था, तो मैट्रेसेस में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी तकलीफ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो सेल्फ प्रिपेयर हैं, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको धक्का मारना पड़ता है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार के दो ट्रांसफॉर्मेशन है, फटाफट देख रहे हैं सब लोग, यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहां पर दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है रो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं बताइए, चेतना दारोकर म्हणते इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो कोणतं
हे की एक प्रॉब्लेम, अच्छा कोणतेही एक प्रॉब्लेम रो ट्रान्सफॉर्मेशन सॉल्व करा असं म्हणणं आहे तिचं. श्रीकृष्ण यादगिरे म्हणते ओके इथे पहा इनवर्स थोड्या वेळाने आपण पाहू. पहिले तर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय असते, ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये पार्ट किती असतात हेच सांगणार आहे. या ठिकाणी पहा दो प्रकार के ट्रान्सफॉर्मेशन, रो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. रो ट्रान्सफॉर्मेशन यानी क्या करो, रो ट्रांसफर करो. रो ट्रांसफर आप लोग रो को किसी भी रो को किसी भी रो में ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको एक्चुअली किस प्रकार से उसकी प्रोसीजर है और कौन कौन से टाइप आ जाए, टाइप मैंने पॉसिबिलिटीज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है वो दिया हुआ है. रो ट्रांसफॉर्मेशन में तीन पॉसिबिलिटीज है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सेम तीन पॉसिबिलिटीज है. जैसे हम लोग रो को ट्रांसफर करते हैं उसी प्रकार आपको कॉलम को भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप लोग, पर लेकिन एक प्रॉब्लम में एक ही प्रोसेस होती है. रिपीट बोल देता हूं, यदि मैट्रिक्स का एकादा प्रॉब्लम है तो उसमें एक ही प्रोसेस कोई तो भी यूज होगी. एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस यूज करेंगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. वो क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या करता है. क्वेश्चन ने बोला कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया. क्वेश्चन बोलता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. बढ़िया सर जी, छा गया. थैंक यू सर जी, इथे बायोचे सर आलेले आहे आपल्या समोर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ओके तो यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई थिंक आपको कुछ लोगों को समझा होगा कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो मैं एक वास्तव में रूप में बता देता हूँ. पहला जो रो ट्रांसफॉर्मेशन में बात है उसी प्रकार आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर सकते हैं. पहली बात है कि किसी भी रो को किसी भी अदर रो में आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं. ये आई जे क्या है, आई और जे ये क्या है, उनके कॉलम रोज के नाम है. रो वन रो टू ऐसा हो सकता है, पर लेकिन यहां पर कौन से रो को आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ये आप लोग फिलहाल में नहीं दिखा सकते. तो वहां पर रो वन रो टू ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने आई जे के फॉर्म में लिखा है. तो कंफ्यूज मत होइए कि आई का मतलब क्या और जे का मतलब क्या, समझ में आ रहा है. सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, सपोज मान के चलो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पर यदि आपको कितने रो है यदि मैं पूछूं तो आप बोलेंगे दो रो है, रो वन भी है और रो टू भी है, रो वन भी है रो टू भी है. तो यहां पर यदि आपको पहला प्रोसेस करना होगा तो पहला प्रोसेस कैसे करेंगे, रो वन इंटरचेंज टू, बाय डायरेक्शन का साइन इंडिकेट करना पड़ेगा. और ये इंडिकेट क्या करता है, बाय डायरेक्शन का साइन इंडिकेट करता है ये रो वन है ये रो टू है. यदि आपने लिखा कि रो वन इंटरचेंज टू रो टू तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर दोनों रो को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो 4 ऊपर 4 5 ऊपर लेके जाओ, 2 3 नीचे लेके आओ. बहुत ही बेसिक बात मैंने बताई यहां पर. दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा आपको. ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, फिर मैं जल्दी से सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करूंगा. सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कि किसी भी रो को आप लोग चेंज कर सकते हैं एखादे स्केलर मल्टीपल को एखादा स्केलर मल्टीप्लाई करके, ऐसा बोलेंगे हमको. किसी भी रो को आप लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, उसमें एक स्केलर मल्टीपल ऐड करके. ये जो के है ये के माने स्केलर मल्टीपल की भूमिका अदा करता है. अब ये स्टैंडर्ड वर्ड मैंने ले लिया, स्केलर मल्टीपल क्या होता है, स्केलर यानी कोई भी नंबर, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर आप लोग यहां पर किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो या फिर कॉलम. जो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं उसी प्रकार आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ओके तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको दिखाना चाहूंगा मैं. देखिए सपोज ये 2x2 का अगेन या फिर 3x3 का, कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहां पर 3x3 के इसमें दिखाओ 2x2 का बहुत छोटा हो जाता है. 3x3 का मामला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फटाक से फटाफट. हाँ तो यहां पर देखिए, यहां पर 3x3 का मैट्रिक्स है, किसी भी रो को आपको चेंज करना है आपके मतलब के लिए, किसी भी रो को आपको चेंज करना है आपके मतलब के लिए तो आप लोग चेंज कर सकते हैं. सपोज आपको करना है कि रो टू को चेंज करना है, भाई हमें रो टू को चेंज करना है और इसमें एक 3 मल्टीप्लाई, एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है,
तो आप लोग रो टू को कैसे बना सकते हैं, रो टू को 3 रो 2 ऐसा बना सकते हैं, मतलब रो टू के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 क्या काम कर रहा है, 3 इज अ स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल, 3 इज अ स्केलर मल्टीपल, 3 इज अ स्केलर मल्टीपल। तो यहां पर यदि R2 को चेंज करेंगे 3R2, तो यहां पर देखिए 1 2 3 पहले रो को चेंज नहीं करना है, दूसरे रो को चेंज करेंगे तो कैसे 3R2 चेंज करेंगे, माने रो 2 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले एलिमेंट ये रो 2 है, रो 2 के पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12, दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 = 15, और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 = 18। ओके, समझ में आ रहा है, और तीसरे रो को चेंज नहीं करना था तो तीसरा रो एज इट इज। ओके, पहले तो शुरुआती दौर में कुछ लोगों को अच्छा लगा, शुरुआत पहली एक्सरसाइज जो है ना उनको बहुत अच्छा लगा, कुछ भी तो नहीं है खाली ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, पर लेकिन पहले एक्सरसाइज में उन्होंने खुद से दिया था कि आप लोग इस प्रकार ट्रांसफर करो, रो 1 रो 2 को ट्रांसफर करो, पहले एक्सरसाइज में उन्होंने खुद ने दिया था। दूसरे एक्सरसाइज में वो आपका लॉजिस्टिक चेक करते हैं कि आप लोग लॉजिकली कितना प्रिपेयर हो, ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा हो गया, और तीसरा बहुत काम का है, तीसरा बहुत ही काम का है। तो तीसरा कैसे काम में आएगा, तीसरा एक्चुअली जैसे कि हमने मेथड सीखी है, जिन्होंने वीडियो सारे देखे हैं, मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, रिडक्शन मेथड सिखाया, उसमें काफी हद तक रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि सभी ने वीडियोस देखे हैं और अभी यहां पर आए हैं तो मेरी बात उनको गौर से समझ में आ रही है। काफी हद तक ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और इनवर्स क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बार बार कहना है, जो भी लाइव सेशन यहां पर देख रहे हैं वो लाइव सेशन तभी देख पाएंगे, समझ पाएंगे जब उन्होंने वीडियोस को देखा हुआ है। ओके, तो यहां पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं स्टार मार्क करने वाला हूं। तो तीसरा क्या बोलता है, तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि आप लोग मैट्रिक्स के किसी भी रो को चेंज कर सकते हो। कैसे, वो रो 1 प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस दूसरे रो की मदद से, समझ में आ रहा है। और इसमें यदि स्केलर मल्टीपल आपको घुसाना होगा तो आप लोग स्केलर मल्टीपल डाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, आप लोग किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, जिस रो को चेंज करेंगे वो रो पहले आएगा, और किसी दूसरे रो की मदद से चेंज करना। आई और जे क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको, आई और जे कौन सा रो है ये दिखा रहा है। तो आप लोग किसी भी रो को किसी दूसरे रो की मदद से चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैंने प्लस का साइन रखा है, जरूरी नहीं है यहां पर प्लस आए। हमने जो भी प्रॉब्लम देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि कई बार आपने सब्ट्रैक्शन और अलग अलग स्केलर मल्टीपल यूज किए हैं। याद है आपको, आपने रो 1 को चेंज किया था, याद होगा आपको, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं वापस से बात आएगी, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 रो 2 ऐसा कई बार आपने किया है, या फिर यहां पर स्केलर आपने 3 लिया है, कई बार आपने किया हुआ है ऐसे। पर लेकिन ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको ये पूरा मैटर रो ट्रांसफॉर्मेशन का समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी रो को कॉलम में ट्रांसफर नहीं किया जाता, रो और कॉलम मिक्स मत कीजिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो केवल रो का ही इस्तेमाल होगा, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आपको ये 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज समझी होगी। सिमिलरली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही है, केवल आर आर की जगह सी सी, सी माने कॉलम, तो कॉलम को देखना पड़ता है जैसे कि हमने रो को देखा, माने हमें अभी तक क्या देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखा, रो को देखा, अब किसको देखना है, अब आपको कॉलम को देखना है, कॉलम, कॉलम को देखेंगे। तो कॉलम में क्या करेंगे, यहां पर आर आए, आर जे लिखा था, यहां पर सी आए, सी जे लिखेंगे, यहां पर आर आए इंटर चेंजेस टू के आर आए, यहां पर सी आए चेंजेस टू के सी आए बोल सकते हैं, यहां पर आर आए चेंजेस टू आर आए प्लस के आर जे, आर आर की जगह सी डाल दीजिए, सी आए चेंजेस टू सी आए प्लस के सी जे। तो
शुरुआती दौर में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये हमने समझने का प्रयास किया। आई थिंक सभी को पहली एक्सरसाइज समझी है क्या? मैं वापस रिपीट बोल देता हूँ, पहली एक्सरसाइज सबको समझी है क्या, जो कि 2.1 कहलाएगी, 2.1 है, यस, पार्ट वन की 2.1 एक्सरसाइज है, सबको पहली एक्सरसाइज समझी है क्या? क्योंकि पहले एक्सरसाइज के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइज वेदान म्हणते सैनिटाइज मधा तो सैनिटाइज कुठून आलं इथं, चेतना दारू करणार डायरेक्ट प्रॉब्लेमच दिलं इन्वर्जन मेथडचं। ओके चेतना, समजल्या भावना, समजाय वेदान केकडे म्हणते यस समजलाय म्हणते, यस चौपकर म्हणाला यस सर समजलाय। वैभव भावने, ये नया बंदा दिख रहा है, वैभव भावने, भावना नाही पोचला, याच्या भावना मला पोचल्या नाही कारण की हा नवीन बंदा दिसत आहे। अनुजी यस सर, आय थिंक इथे जेवढे लोक कनेक्ट आहे त्या लोकांना बेशक सर म्हणते, समजलं आहे म्हणते आम्हाला सगळं, ओके यस सर यस सर यस सर, इथे खूप जणांचे रिप्लाय यस सर मध्ये आलेलं आहे। तर पहिल्या एक्सरसाइजबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे की पहिली एक्सरसाइज जे कोणाला समजली नाही, एखादा प्रॉब्लेम समजला नाही, वापस से चेक कीजिए। जिनको पहिल्या एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लेम नहीं समझा होगा तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी आपके सामने लाइव, आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तुरंत नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करूंगा, नेक्स्ट कंटेंट लूंगा जो कि इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर चेतना बार बार जिक्र कर रही है इनवर्स 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 पढ़ाओ। तो हम लोग किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हर स्टूडेंट के स्टेटस जोन, अरे बाबा नवीन नवीन नाम है स्टेटस जोन जी है, ओके नो सर म्हणते, स्टेटस जोन जो है तो त्याच्या भावना माझ्यापर्यंत पोचल्याच नाही। त्याचं नाव काय स्टेटस जोनचं? स्टेटस जोन नवीन बंद आहे इथे बेटा, आप आमच्या चॅनलवर यावं लागेल तुला, आमच्या ॲपमध्ये यावं लागेल, आमचे व्हिडिओज पहिले पाहावं लागेल आणि त्यानंतर यस सर नो सर मग तू कमेंट करू शकतो। इथे नवीन बंदा, तुम्ही शिकवलं आणि समजलं नाही हुस नाही शकत। यश गावंडे यहाँ पर अच्छी कॉम्प्लिमेंट देना है, थँक यू यश। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। परीक्षित तापड़िया जी, आपकी राह देख रहा था, आपको समझ में आ गया सब कुछ? ओके परीक्षित ने भी अंगूठा दिखा दिया, सीधा दिखाया कि उल्टा दिखाया मालूम नहीं पर, लेकिन अंगूठा तो उसने भी दिखाया। ओके तो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। आई थिंक यहां पर पहली एक्सरसाइज, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में वैसे कुछ भी नहीं था, केवल रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन था और उन्होंने जो बोला है उसी को ट्रांसफर करना था, उन्होंने जो बोला है उसी को ट्रांसफर करना था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाने से पहले आपका अभी का टॉपिक रहने वाला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपका टॉपिक रहने वाला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए दो प्रकार के मेथड्स अवेलेबल है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कितने मेथड्स है? दो मेथड्स है बच्चों, दो मेथड है। तो यहां पर पहली मेथड कौन सी है? पहली मेथड हमारी है एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या फिर कोई भी मेथड बोलो आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैंने पहला नाम लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए यहां पर पहली मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, मैं फॉर्मूला बाजू में लिखता हूं, फॉर्मूला एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपने देखा होगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इस मेथड का यदि प्रयोग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपको ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है आई। और दूसरा जो है, दूसरा मेथड है वो है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो यदि एडजॉइंट मेथड से आप लोगों को इनवर्स यदि निकालना है, एडजॉइंट मेथड से आप लोगों को यदि इनवर्स निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट का फॉर्मूला है। क्या है एडजॉइंट का फॉर्मूला? एडजॉइंट का फॉर्मूला है कि इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके समझ में आ रहा है सबको कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला प्रकार रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा प्रकार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और
यहाँ पर दूसरा जो टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन में दो प्रकार आते हैं और वैसे दो मेथड हैं, एडजॉइन मेथड है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। पर लेकिन दोनों मेथड से यदि इनवर्स निकालना है तो मेरी बात गौर से सुनिए, दोनों मेथड से, दोनों में से कोई भी एक मेथड से आपको यदि इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है। किसी भी मेथड से आपको यदि इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। यदि डिटर्मिनेंट, यहां पर नोट करके देता हूं जल्दी से, इफ डिटर्मिनेंट, सपोज ए नाम का मैट्रिक्स है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, शुरुआत में नॉट इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो उसका इनवर्स निकलेगा, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका इनवर्स जरूर निकलेगा, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इस्तेमाल करो चाहे एडजॉइंट मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। सॉरी सर, सम प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग ऑफलाइन, इफ कांट, अरे परीक्षित का नेट खत्म हो गया जी, पबजी खेलने खेलते 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 नेट वैसे ही खत्म हो गया उसका। इफ नेक्स्ट, ठीक है, इफ यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट, दूसरी मेथड, दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, यदि आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। समझ पा रहे हैं सब लोग? आई थिंक सबको मेरी भावना समझ में आ रही है। अब किस में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है यह भी मुझे मालूम है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, क्योंकि एडजॉइंट मेथड लगभग सबको समझ में आ चुकी थी, पर कई सारे कमेंट में ऐसा बोल रहे थे, सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप लोग हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से करना पड़ता है ये बताइए। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताने के लिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताने के लिए हमने एक मेथड का सहारा, एक प्रोसीजर का सहारा लिया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये हमने इससे पहले सिखाया है। देखिए ये क्विक रिवीजन सेशन है, वापस से बोल रहा हूँ, इसमें डिफिकल्टी भी आएगी, क्विक रिवीजन भी होगी, पर उससे पहले वापस से रिपीट वहीं पर वीडियो सारे के सारे एक बार दो बार तीन बार देखना बहुत जरूरी है। ये वैसे ही बहुत दिनों के बाद हमने लाइव सेशन आपके लिए लाया है तो काफ़ी हद तक आपको टाइम था कि आप लोग सारे वीडियोस को देखो और हमें होमवर्क यहां पर भेजो, ठीक है। हाँ नवीन है, रोमिल डेंड्रा, सर शर्ट इज लुकिंग गुड, थैंक यू बेटा, पर लेकिन आपका मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, सॉरी परीक्षित तो उड़ गया है, स्टेटस जोन ओके चलेगा। सभी की भावना यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ, सभी यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पर लेकिन यदि हम हमारे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो फिलहाल में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा है, फ़ोन लगाइए, हम लोग वहीं पर भी आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नए नए नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो कि मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है, जो लोग मुझे मालूम है वो है ही। सर तो गेला पबजी खेळा ले, यश गावंडे तुझी तुझी बोलला ते एकदम अतिशय तंतोतंत खर बोलला है। तो यहां पर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का पहले सीक्रेट सीखेंगे जो कि इससे पहले मैंने सिखाया, पर लेकिन वहां पर यदि प्रोसीजर आपको नहीं समझी होगी तो इनवर्स सिखाने से पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है ये मैं जरूर सिखाऊंगा। तो इनवर्स से पहले ट्रांसफॉर्मेशन जरूर सीखे, जो लोग नहीं सीख पाए हैं या फिर जिनको वीडियो में सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो वो ठीक ठाक यहां पर समझेंगे ऐसा हमें लग रहा है अभी, ठीक है।
तो ओके मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। सपोज मान के चलो हम लोग किसका किस कौन से ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। हम लोग बात करेंगे फिलहाल में रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, आज तो बात करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। कॉलम भी मैंने कॉलम के लिए एक ही मैंने लेक्चर एक ही वीडियो मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया है। मैंने स्टूडेंट को ये भी बताया है मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक ही वीडियो में एंड क्यों किया और रो ट्रांसफॉर्मेशन को इतना क्यों बढ़ाया। देखिए बच्चों ये मैट्रिसेस नाम का टॉपिक जो है वो प्रीवियस स्टेट बोर्ड में मतलब आपके जो सीनियर्स थे जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें ये मैट्रिसेस 4 मार्क के लिए था। आपको भी सिलेबस चेंज हो गया है पर लेकिन आपका जो मैट्रिक्स है वो 4 ही मार्क के लिए आपको आएगा। तो 4 मार्क के लिए कितना करेंगे, क्योंकि वैसे भी देखो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में एक रिडक्शन मेथड है एक इन्वर्जन मेथड है। तो काफ़ी 4 मार्क के लिए काफ़ी पढ़ने के लिए बहुत सारा है मटेरियल। हाँ जिनको ट्रांसफॉर्मेशन सभी आते हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझा है तो मैं उनको बोलूँगा आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पर लेकिन जिनको रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही थोड़ी सी तकलीफ है तो वो फोकस कीजिए रो ट्रांसफॉर्मेशन पर, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दिया तो भी चलेगा। मैं बोल रहा हूँ अभी लाइव बोल रहा हूँ कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिन लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन में समझने में थोड़ी तकलीफ जा रही है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मत करो, क्योंकि वैसे भी मैट्रिसेस नाम का चैप्टर यूनिट 4 मार्क के लिए है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पर लेकिन रास्ता बता रहा हूं, बहुत सारे रास्ते हैं 4 मार्क के लिए और में एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए ठीक है, क्योंकि उसके अलावा एडजॉइन मेथड भी हम लोगों ने पढ़ी है, चिंता मत कीजिए ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, अब इसमें भी 2 प्रोसीजर है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए अलग प्रोसीजर है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए अलग प्रोसीजर है। तो शुरुआत में 2x2 का प्रोसीजर और उसके बाद में 3x3 का प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर के साथ हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। ओके यहां पर देखें ठीक है, देखिए सपोज A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22 अब यहां पर क्या करेंगे सब लोग सुनो, चेतना दारोकर अवेलेबल है ना, ओके चेतना अवेलेबल है, चेतना फोकस कीजिए क्योंकि उसका नाम इसीलिए लिया क्योंकि उनको अच्छा और पजा नहीं आला हो, पजा मला आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ कवरेज दिसून राहिलेला आहे, त्याला आम्ही फोन करण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याचा मोबाईल स्विच ऑफ येतो आहे, जर कोणी असेल तर त्याला लवकरात लवकर मला फोन करायला लावा ठीक आहे। ठीक आहे तो यहां पर देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार के फंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो जो लोग वहां पर वीडियो में अच्छे से नहीं सीख पाए हैं या फिर उनको नहीं समझा है वो यहां पर तो भी अच्छे से सीख लीजिए। पहला प्रोसीजर है 2x2 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पहले प्रोसीजर में मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये जो पहला एलिमेंट है ना A11 2x2 मैट्रिक्स, जो पहला एलिमेंट है ना उसमें पहले एलिमेंट को जो है वो 1 करना पड़ता है। तो मेक A11 इज इक्वल टू 1, किसी भी हालत में A11 को 1 करो, किसी भी हालत में A11 को 1 करो, ये पहली प्रोसेस है करना ही पड़ेगा। अच्छा जैसे ही आप लोग A11 को 1 करते हैं तो इसकी मदद से उसके नीचे वाला, देखिए रो की बात कर रहा हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन रो की बात हो रही है, कितने रो हैं 2 रो है, रो 1 रो 2। पहली प्रोसीजर है कि A11 को 1 करो। दूसरी प्रोसीजर क्या है देखो, दूसरी प्रोसीजर बोलते हैं कि यदि आपने A11 को 1 किया तो इस एलिमेंट की मदद से इसकी मदद लो और इसे 0 करो। ये कौन सी रो में है, ये रो 2 में है। तो मैं यहां पर लिखता हूं मेक, यहां पर पहली प्रोसीजर मेक A11 इज इक्वल टू 1 और इस एलिमेंट की मदद से, मेरी गौर से देखिए उंगलियां देखो उंगलियां, यहां पर A11 की मदद से A21 को 0 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए लिखेंगे मेक A21 इज इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ A11, माने A11 की मदद से A21 को 0 करो। ये पहली प्रोसीजर है, मैंने 3x3 नहीं पढ़ाया, मैं केवल 2x2 के बारे में ही पढ़ा रहा हूं ठीक है। उसके बाद में
थर्ड प्रोसेस है कि मेक A22 इज इक्वल टू 1। याद रखो ये प्रोसीजर किसी लिए है, ये प्रोसीजर इसलिए है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दिखे, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनना चाहिए, इसलिए इतनी प्रोसीजर की है। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जब आप लोग इनवर्स निकालते हैं तब एक साइड का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो दूसरा ए इनवर्स मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना पड़ेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट जो है ये 1-1 दिखने चाहिए। जिसके डायगोनल एलिमेंट 1-1 है और बाकी के अदर एलिमेंट 0 है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यदि इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको पहले ये प्रोसीजर को ठीक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम अभी पढ़ाने वाला हूं और बाद में अगले लाइव सेशन में हम लोग इन्वर्जन मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग तो पढ़ने वाले हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसके बाद में पहले मैंने बोला A11 को 1 करो और फिर इसकी मदद से A21 को 0 करो। सिमिलरली अब A22 को 1 करना है और फिर बाद में इसकी मदद से ऊपर वाले को 0 करना है, मतलब इसकी मदद से ये वाला एलिमेंट 0, इसकी मदद से ये वाला एलिमेंट 0 करो, 0। तो यहां पर लिखेंगे फोर्थ स्टेप, मेक A12 इज इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ A22। वो कैसे करेंगे तो वो आपके क्वेश्चन का सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आप लोग उसमें कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको जो बताया वो किस एलिमेंट की मदद लेके कौन से एलिमेंट को जीरो करना है ये मैंने आपको समझाया, पर लेकिन ओके। तो यहां पर देखिए A11 को 1 करो, इसकी मदद से नीचे वाला 0 करो, फिर A22 को 1 करो, उसकी मदद से उसका ऊपर वाला 0 करो, ओके ठीक है। ये मैंने किसकी बात की? ये मैंने बात की है जब 2x2 का मैट्रिक्स आता है। अब इसमें स्टूडेंट बहुत मजा कर लेते हैं, कुछ किसी को तो ये भी आ जाता है कि सर 2x2 का बहुत आसान होता है, ये हमें समझ में आ जाता है, पर लेकिन अब 3x3 का प्रोसीजर बताओ। 3x3 का भी प्रोसीजर इसी समान है, केवल वहां पर 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो यहां पर उसमें भी अभी चर्चा कर लेता हूं मैं। यहां पर मान के चलो कि मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है, 3x3 का मैट्रिक्स यहां पर दिख रहा होगा आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स लिखा जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके। अब मुझे बताइए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यदि इस 3x3 मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, रिपीट बोल देता हूं, इस 3x3 मैट्रिक्स को यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए आइडेंटिटी यानी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट 1-1 आने चाहिए और बाकी के अदर एलिमेंट कितने आने चाहिए, अदर एलिमेंट 0-0 आने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये डायगोनल एलिमेंट 1-1 आने चाहिए और बाकी के एलिमेंट जो है वो 0-0 आने चाहिए। आएंगे कैसे? यही तो प्रोसीजर है। तो उसी प्रोसीजर का यूज करके पहली प्रोसीजर देखिए। पहली प्रोसीजर होती है कि A11 को 1 करो, मेक A11 को 1 करो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो पर लेकिन जबरदस्ती A11 को 1 करो। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, पर जबरदस्ती फिलहाल में याद रखो, जबरदस्ती करना। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड मेथड की यदि बात करेंगे तो यहां पर यदि A11 को आपने 1 कर दिया, A11 के पोजीशन को यदि 1 कर दिया तो इसकी मदद से, इसी की मदद लेनी है और नीचे की 2 0 करने,
यहां पर A11 के नीचे एक ही था, इसलिए एक ही को जीरो किया, एक ही एलिमेंट को जीरो किया। पर यहां पर आप देख रहे हैं कि A11 के नीचे कितने एलिमेंट है, दो, तो A11 के नीचे के दो एलिमेंट जीरो करो। तो यहां पर लिखेंगे मेक A21 एंड A31 इक्वल टू जीरो, इन दोनों A11 के नीचे क्योंकि दो एलिमेंट है, तो A21 और A31 को क्या करो, जीरो करो विद द हेल्प ऑफ A11। माने A11 की मदद से A21 को भी जीरो करना है, A11 की मदद से A31 को भी जीरो करना है। A11 की ही मदद लेनी है और उसके नीचे वाले दो जीरो करना है। समझ में आ रहा है? फिर बाद में सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर देखिए A22 को 1 करो, तो मेक A22 इज इक्वल टू 1 बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, पर लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी एक मेथड लगा के आप लोग उसको A22 को 1 बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने इस बीच वाले को 1 बनाया, यदि आपने बीच वाले को 1 बनाया, आप देख पा रहे हैं ना, जिसको 1 बनाया उसकी मदद से उसके नीचे के दो जीरो बनाए। सिमिलरली अब बीच वाला 1 बनाया, अब उसकी मदद से ऊपर और नीचे वाला आपको जीरो करना है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ स्टेप, मेक A12 एंड A32 इक्वल टू जीरो विद द हेल्प ऑफ A22। किसी का क्वेश्चन ये आ जाता है, सर कौन हो तुम्हें ऐसे करता, A22 ला 1 करता, ठीक है, बरोबर है, A22 ला तुम्हें 1 केलं, याचीच मदत घेऊन या दोघांना का बरं झिरो कर लागते। एक्चुअली मेन बात यह है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर है। सपोज आप लोग इस प्रोसीजर के अलावा चलते हैं, यदि आपने इसकी मदद नहीं ली और इन दोनों को जीरो बना दिया, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोसीजर के हिसाब से मिलेगा ही नहीं। जो मैं एलिमेंट बोल रहा हूं और जिस एलिमेंट की मदद लेनी है वो उसी एलिमेंट की मदद लेनी पड़ती है। दूसरे एलिमेंट की यदि मदद लेंगे तो आपका वो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो प्रोसेस मैं यहां पर बोल रहा हूं उसी प्रोसेस का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये इसकी सच्चाई है। ये प्रोसीजर के खिलाफ आप लोग जाएंगे तो प्रोसीजर के खिलाफ गए तो कभी भी आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये प्रोसीजर की डिमांड है, ठीक है। तो यहां पर A22 को 1 करो और उसकी मदद से उसके ऊपर नीचे वाला जीरो करो, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट स्टेप, फिर बाद में A33 को 1 करेंगे तो यहां पर फिफ्थ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, A33 को मेक A33 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखेंगे मेक A33 इज इक्वल टू 1 बाय अगेन सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। A33 को बाद में लास्ट वाली स्टेप क्या है कि A33 को 1 करो, और यदि A33 को 1 किया तो उसके ऊपर के दो बचे ना, तो A33 को जिसको 1 करेंगे उसके ऊपर या फिर नीचे देखो कौन से एलिमेंट है। तो यहां पर A33 सबसे नीचे वाला था, इसको यदि आपने 1 किया तो इसके ऊपर के दोनों को जीरो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ A33। तो यहां पर लास्ट स्टेप ये होगी, मेक A13 एंड A23 इक्वल टू जीरो विद द हेल्प ऑफ A33। क्या बोला मैंने, मेक A13 एंड A23 इक्वल टू जीरो विद द हेल्प ऑफ A33। और यही प्रोसेस कुछ तो भी कट गया, यहां पर A33 कट गया शायद, A33 को दोबारा से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे A33 को, ओके। तो यहां पर A33 की मदद से ऊपर वाले दो जीरो करने हैं। मैंने जो बताया
वो प्रोसीजर बताया एक्चुअली किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रोसीजर से जाना पड़ता है। जिनको यहाँ पर प्रोसीजर समझी है आई थिंक वो लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम खुल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग यहाँ पर परेशान हैं, यश सोपकर बोल रहा है कि 7 वाजले आमचं नेट संपत्ति होऊन राहिलं, आम्हाले पबजी खेळा लागते आणि अजून बाकीची काम आहे। बरोबर आहे, आम्ही जास्त वेळ घेत नाही। 7 वाजले म्हणते रामटेके, म्हणते समजलं म्हणते सर यश गावंडे, ओके। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, तो ज़्यादा मैं आपको टाइम पास नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको जल्दी ही छोड़ूंगा। जिनको प्रोसीजर वहाँ की नहीं समझी होगी वीडियोस की, तो वो लोग यहाँ पर प्रोसीजर समझ पाए होंगे। चिंता मत कीजिए, जितने लोग भी हैं जिनके डाउट अभी भी क्लियर होने के हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा डाउट केवल प्रॉब्लम से ही सॉर्ट आउट होंगे, चिंता मत करो। इसके बाद में इसके लिए ऑल एक लाइव सेशन मैट्रेसेस के ऊपर आने वाला है। पर लेकिन कब आएगा वो सेशन? टेस्ट देने के बाद आएगा। टेस्ट हमारे कब है मैं रिमाइंड कर देता हूं जाने से पहले कि टेस्ट हमारी जो है वो टेस्ट रहेगी सैटरडे 11 AM। किस पर रहेगी अब ये मत पूछिए, टेस्ट रहेगी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है? टेस्ट हमारी जो रहेगी वो मैट्रिक्स के ऊपर रहेगी। यस, ओके यश चोपकर, इथे सेशन लाइक करा म्हणते यश चोपकर, ओके लाइक कर तू पहिले, ठीक आहे? या ठिकाणी आय थिंक मी इथे रजा घेतो सर्वांची, या ठिकाणी आलेत त्याबद्दल धन्यवाद आणि आभार। यासारखेच नवीन नवीन सेशन करत राहा, कारण की आता पुढील येणारे सेशन आणि काही दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहे और हम लोग बहुत ही नए नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक आपके ऐप में आ भी चुका है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी टॉपिक 6 मार्क के लिए आता है, तो ज़रूर आप लोग उसकी भी पढ़ाई चालू कर दीजिए। पर लेकिन भूलिए मत, सैटरडे 11 AM मैट्रेसेस आपका टेस्ट रहने वाला है, तो सबकी मैं राह देखने वाला हूँ। पढ़ाई कीजिए और टेस्ट दीजिए, और अगले हफ्ते हम लोग वापस से मैट्रेसेस के लोग को लेके नए लाइव सेशन के साथ ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।